आज का टॉपिक है यूवीआईटाइटिस, ठीक है, यानी कि आई का लास्ट डिसऑर्डर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले जितने भी सारे डिसऑर्डर थे आई के, मैंने सब जो है क्लियर कर दिए हैं। कहता है कि पहले ये देख लेते हैं, आईटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है, और यहाँ पे यूवी का मतलब हुआ यूविया, UVEA, यूविया, ठीक है। यूविया क्या होता है, यूविया जो होता है इट इज सीरियली बॉडीज और क्रोइड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, CHOROID, जो क्रोइड होता है, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं यूविया, ठीक है। इट इज सीरियली बॉडीज और क्रोइड तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, यूविया। तो उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम कहते हैं यूवीआईटाइटिस, ठीक है। चलिए, कहता है द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व्स इरीसीलियरी बॉडीज एंड क्रोइड। बेसिकली यूवियल ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इरीसीलियरी बॉडीज और क्रोइड जो है उसको हम लोग यूवियल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो हम यूवीआईटाइटिस बोलते हैं, ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो इटियोलॉजी देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट है एन इंजरी टू द आई, आई में कोई भी इंजरी है तो, क्योंकि क्या होगा, फॉरेन जो भी फॉरेन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब क्या होंगे, इन्वेड हो जाएंगे। सेकेंड है रिसेंट और प्रीवियस आई सर्जरी, किसी आई सर्जरी के द्वारा, मान लीजिए कि कोई आपने डायग्नोसिस करवाया, जैसे हमने पढ़ा था ना कई बार कैटरेक्ट मेटोनोमेट्री, तो उसमें क्या होता था कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करते थे। अगर मान लीजिए कि कोई आई इंस्ट्रूमेंट जो है टोनोमेट्री इन्फेक्टेड है, तो अगर आपके आंखों में जा रहा है तो वो क्या हो सकता है कि वो इन्फेक्शन काउज कर सकता है, ठीक है। फिर है सडन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, सडन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का जो फर्स्ट आपका सिलेबस में था आईलिड डिसऑर्डर, उसमें कई सारे इन्फेक्शन थे, ठीक है, तो उसी के बारे में बात। आप टाइप समझना, लेकिन टाइप समझने से पहले एक बार डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेरा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रोइड बोलते हैं, यानी स्केलेरा से जस्ट पहले क्रोइड, और क्रोइड से जस्ट पहले क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, लेकिन अभी हमको यूवीआईटाइटिस देख रहे हैं ना, कि यूविया देखना था। यूविया में हमने क्या बताया था, इरीज बताया था। तो यहाँ पे आप देखो, ये लेंस है, लेंस के पास इस तरह से दोनों तरफ से जकड़ा हुआ कौन है, इरीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरफ से सीलियरली बॉडीज है, सीलियरली बॉडीज क्या प्रोड्यूस करता है पता होगा, एक्वस ह्यूमन फ्लूड को वो सिक्रीट आउट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोइड है, एक बार मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ फिर से। जैसे देखिए ये आई डायग्राम है, ठीक है, इस आई डायग्राम में जो ये वाला पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रोइड, ठीक है। क्रोइड के जस्ट अंदर क्या होता है, रेटिना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आई लेंस होता है, और आई लेंस को दोनों तरफ से कौन पकड़ा हुआ रहता है, तो इरीज पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और एक बार फिर से, ये जो पार्ट होता है आई लेंस का, यहाँ पे इरीज पकड़ा हुआ होता है, और इन्हीं पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों पार्ट मतलब इरीज के जस्ट बगल में वो क्या होता है, सीरियली बॉडीज होता है, ठीक है। और क्रोइड मैंने बता ही दिया, तो इसका कॉम्बिनेशन, जो तीनों कॉम्बिनेशन है, इरीज, सीरियली बॉडीज और क्रोइड, इसको हम यूविया बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसको समझाने का क्या रीजन था, बेसिकली इसका दो पार्ट होता है, एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ देखिए, एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो यूविया का दो पार्ट्स होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में कौन सा आता है, तो इरीज और सीलियरली बॉडीज यूविया के एंटीरियर पार्ट्स हो गए, और जो क्रोइड हो गया वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूविया हो गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो यूवीआईटाइटिस है, वो बेसिकली जो यूविया का पार्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया गया टाइप ऑफ यूवीआईटाइटिस में, कि जिस पार्ट में होगा उस पार्ट का नाम दिया गया है। फर्स्ट है एंटीरियर यूवीआईटाइटिस, ठीक है। एंटीरियर में कौन था, तो इरीज था और सीलियरली बॉडीज थे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में क्या था, क्रोइड था। क्रोइड बेसिकली क्या करता है ना, रेटिना के जस्ट बगल में होता है, वो रेटिना को सपोर्ट करता है। चलिए, एंटीरियर यूवीआईटाइटिस कहता है कि द इन्फ्लामेशन ऑफ द इरीज एंड सीलियरली बॉडीज कॉल एंटीरियर यूवीआईटाइटिस। इंटरमीडिएट में क्या होगा, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप दैट अफेक्टेड द एरिया जस्ट बिहाइंड द सीरियली बॉडीज, यानी कि जो एंटीरियर यूवीआईटाइटिस था वो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूवीआईटाइटिस होता है वो टाइप था, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो क्या है, इंटरमीडिएट यूवीआईटाइटिस। इसमें क्या होता है कि सीरियली बॉडीज के जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
एटाग्राम तो मैंने आपको समझा ही रखा है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर यूवेटाइटिस, इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इट इंक्लूड्स पोस्टीरियर यूवेटाइटिस अफेक्ट द बैक ऑफ द आई दैट इज कोरवाइड वेयर योर ब्लड वेसल सप्लाई द रेटिना। कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि पोस्टीरियर यूवेटाइटिस में क्या होगा, जो कोरवाइड है CHOROID, ठीक है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन होगा, अगर ये अफेक्ट होगा। और कोरवाइड क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द आई, आँख का पिछला भाग ही होता है ना, सबसे बैक पार्ट कौन होता है, स्केलेरा। स्केलेरा के बगल में कौन सा होता है, तो कोरवाइड होता है, ठीक है। और कोरवाइड के बगल में क्या होता है, रेटिना। तो जो ये जो है बैक पार्ट ऑफ द आई हो गया, ठीक है। और वही कॉर्निया जो होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द आई हो गया। तो कोरवाइड जो बैक पार्ट ऑफ द आई है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो पोस्टीरियर यूवेटाइटिस होता है। सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट है ब्लड विजन, सेकेंड है फोटोफोबिया, रेडनेस इन द आई, पेनफुल। पेनफुल इसलिए होगा कि इन्फ्लामेशन है, रेडनेस होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। चलिए, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुलाइजेशन ऑफ द आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट है माइड्राइटिक आई ड्रॉप्स। द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइड्राइटिक, हमेशा मैं मीनिंग से फोकस करती हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वही क्लियर करता है। माइड्राइटिक्स का मतलब होता है, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए, डायलेशन, ठीक है, डायलेट करना पुपिल को। डायलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पुपिल था, ठीक है, अगर मैंने माइड्रेटिक आई ड्रॉप्स डाला तो इस पुपिल का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलेशन। तो माइड्रेटिक आई ड्रॉप्स में हम क्या करते हैं, डायलेशन करते हैं। डायलेशन करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि डायग्नोसिस पर्पज से, अगर हमको आई का डायग्नोसिस करना है, आई का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि माइड्रेटिक्स आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं ताकि पुपिल डायलेट हो सके। क्योंकि हमारे आँखों का जो मेन पार्ट होता है, जो जिससे लाइट इंटर करती है, वो होता है पुपिल। तो अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो लाइट तो आँख में डालोगे ही ना, दैट्स वाई पुपिल को हम डायलेट करते हैं आई के डायग्नोसिस में। और क्या हो सकता है, तो जो माइड्रेटिक आई ड्रॉप्स है उसका नाम देख लेते हैं, एट्रोपिन होता है, ठीक है, एट्रोपिन हम देते हैं, साथ में एक और देते हैं साइक्लोपेंटोलेट देते हैं, ठीक है। इससे अब फिर नेक्स्ट देखते हैं अस्टेरॉइड आई ड्रॉप जो है उस क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि जो इरीज के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो गई है उसको कम कर सके। तो इन्फ्लामेशन इरीज के अंदर अगर कम होगी तो रेडनेस, पेन, ये सब भी कम जाएगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना होता है कि एस्टेरॉइड हम किस केस में नहीं देते हैं, आई ड्रॉप्स में। तो अगर किसी को बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो यूवेटाइटिस हुआ है तो हम उस केस में स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है स्टेरॉइड टैबलेट्स, स्टेरॉइड इंजेक्शन टू द आई। अब हम स्टेरॉइड टैबलेट दे रहे हैं आंखों में, स्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम देखते हैं कि स्टेरॉइड टैबलेट्स का नाम क्या है। तो फर्स्ट नाम जो है वो आपका है प्रेडियोस्टोन, PREDINISOLONE, प्रेडिसोनोन। और बेसिकली प्रेडिसोनोन हम जो एक स्टेरॉइड टैबलेट का नाम है, और लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि स्टेरॉइड टैबलेट, स्टेरॉइड जो इंजेक्शन है, जब यूवेटाइटिस बहुत ही क्रोनिक कंडीशन होता है, यानी कि बहुत बहुत कहते हैं ना कि क्रिटिकल सिचुएशन होता है, उस कंडीशन में देते हैं टैबलेट्स और इंजेक्शन। जब ड्रॉप से काम नहीं हो पाता है, स्टेरॉइड आई ड्रॉप से काम नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में टैबलेट या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के साथ जो है आई का जितने भी सारे डिसऑर्डर्स थे वो फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लाइक करने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा